हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है SBM एकेडमी में आप सभी का। इस प्रकार एक क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त लोग को काफ़ी परेशान करता है, इसलिए मैं इस पर एक वीडियो बनाया हूँ। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल करें। हम जानते हैं कि 1, 3, 5, 9 यहाँ पे संख्या जो है ये विषम संख्या दिया गया है। दोस्तों क्या दिया गया है? विषम संख्या दिया गया है। हम जानते हैं वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसे विषम संख्या कहा जाता है। ये जो है कह रहा है योग संकीर्य किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब हमको इसको जोड़ना नहीं है संख्या को, इसमें हमको जो है जोड़ना नहीं है, ठीक है ना। हम जोड़ेंगे नहीं संख्या को, बिना जोड़े हुए कह रहा है यहाँ पे कितना होगा बताइए। ऐसे नहीं 3, 1, 4, 4, 5, 9 ऐसे हमको नहीं करना है, ऐसे नहीं करा है बनाने के लिए, ठीक है। इसका लॉजिक सीखिए आप लोग, ऐसे सवाल को हम कैसे बनाते हैं। संख्या के लास्ट में जाएंगे दोस्तों, कहाँ जाएंगे? संख्या के लास्ट में जाएंगे। लास्ट में जो संख्या के लास्ट में है कितना है दोस्तों, आप लोग बोलेंगे 11 है। संख्या के लास्ट में जो 11 है कुछ नहीं करना है, 2 से भाग दे दीजिए। क्या करेंगे दोस्तों? 2 से क्या करेंगे, इसमें भाग दे देना है। चलिए 2×5 कितना होता है तो आप लोग बोलिएगा 10 होता है, ठीक है। 1 में से 0 गया तो 1 और 1 कट जाएगा, ठीक है। शेष कितना आया? जो शेष आएगा उसको जो है आप भागफल में जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ दिए ना, जोड़ के और कुछ नहीं करना है, इसका बस स्क्वायर कर दीजिए। इसका आंसर आ गया, मान लीजिए 5 और 1 कितना होता है दोस्तों, आप लोग बोलिएगा 6 होता है। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? तो 6 का स्क्वायर जो होता है वो 36 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 36 होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, ठीक है। 1+3+5……51 तक जो है इसका योग हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। 51 जो संख्या लास्ट में है उसको क्या करते हैं, लिख लेंगे और 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 2×2 = 4 होता है यहाँ पे, ठीक है। 5 में से 4 गया तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 होगा। 2×5 = 10 हो जाएगा यहाँ पे। शेष कितना आ गया? 1 आ गया। शेष को क्या बोलते हैं? शेष को हम बोले हैं क्या कीजिए, आप जोड़ दीजिए। शेष को आप क्या कीजिए, जोड़ दीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, 25 और 1 कितना होता है दोस्तों? 26 होता है, ठीक है। 26 का स्क्वायर 674 होता है। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आप इसको जोड़िएगा तो 676 ही आने वाला है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। एक प्लस तीन प्लस पाँच प्लस सात 101 है दोस्तों। आप लोग कमेंट में इसका आंसर जो है आप लोग दे दीजिएगा। ये जो है अलग टाइप का सवाल है, इस टाइप पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे 7 से डायरेक्ट स्टार्ट हुआ संख्या, यहाँ पे जो संख्या स्टार्ट हुआ है डायरेक्ट 7 से स्टार्ट हुआ। पहले 1 से स्टार्ट होता था तो ठीक है, अभी जो संख्या 7 से स्टार्ट हुआ है इसको क्या करेंगे, 7+9+11+13+21 तक का जो है योग पूछ रहा है, ठीक है। इसमें देखिए आप लोग पहले क्या करेंगे, 1+3+5 यहाँ तक का योग निकालेंगे दोस्तों। क्या निकालेंगे? यहाँ तक का योग निकालेंगे। तो आपको पता होगा 5×3 कितना हो जाएगा, 8, 8×1 = 9। चलिए यहाँ तक का 1 से 5 तक का योग निकाल लिए। अब क्या करेंगे, 7 से 21 तक का योग निकालेंगे। 7 से 21 तक का जो योग निकलेगा मेरा, उसमें से अगर 9 को घटा देंगे नहीं संख्या मिल जाएगा हमको, इसका योग नहीं मिल जाएगा। चलिए वही कर रहे हैं, तो 1 से जो है 5 तक का जो योग आ रहा है, 1 से 5 तक का जो योग आ रहा है वो कितना आया है, 9 आया है। अब हम क्या करेंगे, 7 से 21 तक का योग निकालेंगे। लास्ट में कितना है दोस्तों, 21 है। 21 में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 21 में 2 से भाग देंगे तो मेरा जो शेष आएगा, भागफल तो 10 आएगा लेकिन शेष 1 आएगा, तो शेष को क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। 10 और 1 कितना होता है दोस्तों, 11 होता है। 11 का स्क्वायर आप लोग बोलिएगा 121। 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 121 होता है, ठीक है।
121 में से क्या करेंगे, 9 को घटा देंगे, क्या करेंगे दोस्त 9 को घटा देंगे तो 112 आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 में से 9 गया 2, 112 आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।